बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है कि जिले निजामाबाद में ग्राम बेवर्दी कमेटी VDC मुश्तैल हो गई है और गैर कानूनी तौर पर मुतवाजी हुकूमतें चला रही है और वजीर आला KCR की हिदायत पर दलितों पर हमला कर रही है। उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ी रैली निकाली और निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के मोते गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रसामपल्ली रवि के खानदान पर हमले के बाद मुतासर खानदान से मुलाकात की। कुछ जागीरदारों ने जात पात की घमंड की वजह से सामपल्ली रवि के खानदान से ताल्लुक रखने वाले 1.40 एकड़ पट्टा राजी को राजा राजेश्वरी मंदिर को अतिया करने से रोक दिया, उसे एक घिनौना फाल करार दिया। जब कुछ मुश्तल हुजूम ने दलित खानदान पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी जो जिले में VDC के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ग्रोहों को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने खबरदार किया कि उन्हें मुस्तकबिल में मुनासिब कीमत चुकानी पड़ेगी।